वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। राष्ट्रीय एकता के रूप में आज देश मना रहा है सरदार पटेल की जयंती। पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की श्रद्धांजलि। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक स्केलेटर के जरिए पहुंचे पीएम मोदी, सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। लौह पुरुष की जयंती को राष्ट्रीय एकता के तौर पर मना रहा है देश, पीएम मोदी ने एकता भाईचारे की दिलाई शपथ। पीएम को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह, पीएम ने सम्मान लेकर कहा धन्यवाद। सरदार की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम आए ग्राउंड, परेड की सलामी ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में युवाओं ने लिया हिस्सा, शानदार करतब के लोगों का मनमोह। सियासत के जवानों का जाबाजी भरा प्रदर्शन, मॉक ड्रिल के जरिए आतंकवादियों का किया खात्मा। सियासत के जवानों ने देश की रक्षा की खाई कसम, पीएम मोदी ने ताली बजाकर किया उनका अभिनंदन। एनडीआरएफ के जवानों का भी शानदार प्रदर्शन, राहत और बचाव का दिया संदेश। एनएसजी के जवानों का शौर्य प्रदर्शन, आधुनिक हथियारों से दुश्मनों का सफाया। गुजरात पुलिस सीआरपीएफ की महिला कमांडोज की भी दिखी मोटर पर जांबाजी। सरदार पटेल का सुनाया गया ओजस्वी भाषण, आजादी के बाद 1949 का भाषण। भाषण सुनने के बाद पीएम ने किया लोगों को संबोधित, सरदार अमर रहे के नारे से शुरू किया। पीएम ने कहा आज भी पटेल के एक एक शब्द का महत्व। पीएम ने कहा सरदार पटेल के विचारों से असीम ऊर्जा मिलती है और स्टेच्यू पर आकर शांति। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति गृह मंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। एकता की दौड़ में हजारों शामिल, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब। अमित शाह का संबोधन, बोले पीएम मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा किया। भुवनेश्वर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन, धर्मेंद्र प्रधान ने दौड़ शुरू की। आज से कश्मीर और लद्दाख को मिली नई पहचान, 370 खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर की होगी अपनी विधानसभा, जबकि लद्दाख बतौर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की तर्ज पर करेगा काम, नहीं होगी विधानसभा। आर के बाथुर ने लद्दाख के एलजी के रूप में शपथ ली, कुछ ही देर में गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। कश्मीर दौरे से लौटा यूरोपीय सांसदों का दल, 370 को बताया भारत का आंतरिक मामला। पाकिस्तान ने गुरु नानक देव जी की 550वीं वर्षगांठ पर जारी की 50 रुपए के सिक्के। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस, बीजेपी ने सहयोगी शिवसेना को 13 कैबिनेट पद का ऑफर दिया। दोनों बाड़ियों में सुलह के फॉर्मूले पर बातचीत, बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद का भी ऑफर दिया। मुंबई में आज शिवसेना विधायक दल की बैठक, आदित्य चुने जा सकते हैं नेता। महाराष्ट्र में भी रन फॉर यूनिटी, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई झंडी। लखनऊ में भी रन फॉर यूनिटी, योगी रहे मौजूद। मुर्शिदाबाद पहुंचा कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 5 मजदूरों के शव, इलाके में मातम। बंगाल के मंत्री फरहद हाकिम भी शवों के साथ मुर्शिदाबाद पहुंचे, मजदूरों के बांधे जाने को लेकर बीजेपी पर सवाल। मजदूरों की हत्या में खुलासा, हिजबुल के एक गुट और जेश ने मिलकर रची साजिश। हिजबुल का एजाज मलिक था हमले का मास्टरमाइंड, घटना से एक दिन पहले मारा गया। लखनऊ में मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिवाली की बधाई दी, सेहत का हाल पूछा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 35वीं पुण्यतिथि आज, प्रणब मुखर्जी सोनिया ने मनमोहन ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए सिद्धू को न्योता भेजा, 9 नवंबर को कार्यक्रम। सिद्धू के न्योते पर
अनिल विज बोले, भारत में पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं सिद्धू। शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना की नगर सेविका शीतल महात्रे को ट्विटर के जरिए मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली से फैजाबाद जा रही बस लखनऊ में हादसे का शिकार, दो की मौत, छह घायल। देश भर में छठ की धूम, आज नहाए खाए के साथ चार दिन तक रहेगी छठ की धूम। दिल्ली में छठ घाट बनाने को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी पार्षद और आप विधायक, दोनों तरफ से नारेबाजी। रविशंकर प्रसाद ने छठ घाटों की तैयारियों का लिया जायजा। नालंदा में छठ के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर पुलिस वालों ने एसपी के घर का घेराव किया। पटना में छठ पर्व की सुरक्षा को लेकर पुलिस की बैठक, सोते दिखे पुलिस वाले। सीहोर के टोल प्लाजा पर तीन वाहनों में युवकों ने उत्पात मचाया, मारपीट की। दिल्ली के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी की जमीन बिक्री के मामले में राजकुंद्रा से ईडी सोमवार को फिर से करेगी पूछताछ। आईएसआईएस चीफ बगदादी के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो सामने आया, अमेरिका ने जारी किया। इस्लामाबाद में ट्रेन में लगी आग, 65 की मौत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।